यो गाइस, मेरा नाम साबुन बेचने वाला नहीं है। तो डायरेक्टर डेविड फिंचर की लेटेस्ट मूवी द किलर रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स पर, जिसके लिए मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड था। और मेरे अलावा बहुत से लोग होंगे भी जिनको डेविड फिंचर का नाम पता है या उनका काम देखा हुआ है। और इसके रिलीज होने से पहले मेरे को ये चीज का अफसोस हो रहा था कि इसे मेरे को नेटफ्लिक्स पर घर पे बैठ के देखनी पड़ेगी बजाय थिएटर पे। लेकिन जब अब मैं इसे देख चुका हूं तो मुझे बिल्कुल भी कोई भी चीज का अफसोस नहीं हो रहा कि मैंने इसे घर पे बैठ के देखा बजाय थिएटर के, क्योंकि जितनी ये मेरी मूवी से एक्सपेक्टेशन या एक्साइटमेंट थी, ये उसको सरपास तो क्या वहां तक पहुंचती भी नहीं है। और ये चीज मैं अकेले नहीं बोल रहा, मेजॉरिटी ऑफ पीपल को ये मूवी disappointment लगी। सो द किलर मूवी की स्टोरी बतानी हो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। फिल्म में हमें जो शेमलेस मैग्नेटो दिखाते हैं, मतलब माइकल फैसबेंडर का जो कैरेक्टर है, वो एक प्रोफेशनल किलर होता है जो कि क्लाइंट से पैसा लेकर लोगों को मारता है। बेसिकली एक हिटमैन का काम करना उसकी रोजी रोटी होती है, और उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही असूल है जिसे फॉलो करने पर उसे ऐसा लगता है कि वो हमेशा जीतेगा या कहीं पर भी फंसेगा नहीं कोई सिचुएशन में। स्टिक टू द प्लान, एंटिसिपेट, डोंट इम्प्रोवाइज, ट्रस्ट नो वन, नेवर यील्ड एन एडवांटेज, फाइट ओनली द बैटल यू आर पेड टू फाइट, फॉरबिड एम्पथी, एम्पथी इज वीकनेस, वीकनेस इज वल्नरेबिलिटी, ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द वे आस्क योरसेल्फ What's in it for me? This is what it takes. What you commit yourself to. If you want to succeed, सिंपल। यही पूरा डायलॉग द किलर का असूल होता है, जिसे पिक्चर के अंदर इतनी बार सुनाया जाता है कि तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा, जैसे मेरे को ऑलमोस्ट हो गया है। स्टोरी पे वापस आए तो द किलर अपने काम में इतना ज्यादा माहिर हो चुका है कि उससे बेस्ट इस काम में कोई है ही नहीं, पर है तो वो एक इंसान ही। इसलिए फिल्म की शुरुआत में उससे एक गलती हो जाती है, वो क्लाइंट के कहने पे जिस आदमी को मार रहा होता है वो बच जाता है। और उसकी ये गलती की वजह से द किलर के घर पे कुछ लोग घुस आते हैं और उसकी पार्टनर को अच्छा खासा पेल के चले जाते हैं। और ये चीज देख के वो ऑब्वियसली बैठे तो रहने नहीं वाला, क्योंकि ही इज अ गॉडडैम फकिंग किलर। वो निकल पड़ता है इन लोगों को ढूंढने के लिए और अपनी पार्टनर का रिवेंज लेने के लिए। यही सिंपल सी स्टोरी है पिक्चर की। ओवरऑल मूवी की बात करें तो फिल्म से मेरी सबसे बड़ी कंप्लेंट और डिसअपॉइंटमेंट यही थी, इसकी बेसिक सी रिवेंज स्टोरी जिसमें कुछ भी नया नहीं था। इवन पिक्चर के अंदर कोई ट्विस्ट तक नहीं है जिसे देख के कुछ वाव फैक्टर वाली फीलिंग आए। और अगर तुम लोग इसे एक्शन के तौर पे देखने वाले हो तो वहां पे भी निराशा ही मिलेगी, क्योंकि पूरी मूवी के अंदर सिर्फ एक 5 मिनट का एक्शन सीक्वेंस है जो कि नो डाउट कड़क था, लेकिन बस खत्म, टाटा, गुड बाय। उसके अलावा पूरी मूवी में कुछ भी नहीं है एक्शन के नाम पे। अगर कोई अच्छी चीज बतानी हो तो मूवी कुछ कुछ जगह इतनी जबरदस्त इंटेंस हो जाती है कि तुम्हें उस द किलर का पैनिक, स्ट्रेस, उसका डर महसूस होने लगता है कि अभी कोई उठेगा और उसे गॉप गॉप मतलब उसे मारना चालू कर देगा, क्योंकि उस आदमी के कितने दुश्मन होंगे जिसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ कत्ल ही किया है और अब तो वो नंबर गिनना भी छोड़ चुका है। और यही एंटिसिपेशन, सस्पेंस, उस किलर का अपने मन ही मन टॉर्चर होते रहना, ये चीज पिक्चर बेहतरीन तरीके से दिखाती है, जो कि ऑब्वियस ही बात है डेविड फिंचर ने डायरेक्ट की है। तो बस वीडियो की समाप्ति करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने साबुन के नशा करने वाले दोस्तों के साथ। सो अगर अभी तक तुमने द किलर मूवी नहीं देखी है या देखने का सोच रहे हो तो सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत लगा लेना। और अगर नहीं भी देखोगे तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज मिस कर रहे हो, इट्स जस्ट एन अबव एवरेज मूवी, डेफिनेटली नॉट द बेस्ट डेविड फिंचर वर्क। इस वर्क से याद आया, अगर तुमको मेरा काम धंधा पसंद आ रहा हो, यानी मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, तो चैनल सब्सक्राइब करके जा सकते हो आगे का काम धंधा देखने के लिए। और चैनल की एक रैंडम वीडियो ये रही, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।